नमस्कार दोस्तों, इनफोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आरओएआरओ परीक्षा की तैयारी के लिए डेली बेसिस पर एक बहुत ही टारगेटेड वे में प्री और मेंस दोनों ही परीक्षाओं की तैयारी के लिए कई सारे इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स को डेली बेसिस पर कवर कर रहे हैं। और उस क्रम में हम लोग सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है वो है ऐसे कोटेशंस का। और आज चलिए देखते हैं कि इस ऐसे कोटेशन में आज हम लोग को क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला जो है आपका कि कलियां भी अब उगलने चिंगारियां लगी हैं, कलियां भी अब उगलने चिंगारियां लगी हैं, दहशत है गुलिस्तां में सिस्टम की मेहरबानी। अशोक अंजुम साहब का है ये कि कलियां भी अब उगलने चिंगारियां लगी हैं, दहशत है गुलिस्तां में सिस्टम की मेहरबानी। और कैसी गर्म हवा है, पकने लगे हैं बच्चे और गुम हो रहा है बचपन, मौसम की मेहरबानी। तो ऐसे करके इनकी पूरी कविता है, परंतु वो वाली अभी हमारे संदर्भ की नहीं है। ये वाला जो दो लाइन का संदर्भ है वो दरअसल आप इसको नक्सलवाद या फिर आतंकवाद या उग्रवाद के राजनीतिक कारण, इन सभी में इसको प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो दहशत है गुलिस्तान में, यानी गुलिस्तान यानी हमारे जो कंट्री में जो भी दहशत है, वो सभी का कारण क्या है? सिस्टम। यानी सिस्टम जो है हमारा, राजनीतिक कारण या प्रशासनिक कारण, ये सभी जो सिस्टम है, हमारी व्यवस्था है, उस कारण से ऐसी सब समस्याएं आ रही हैं। तो इस पर एक ये संकेत किया गया है, तो इसको आप लोग इन जगहों पर यूज कर सकते हैं। अशोक अंजुम साहब का है, काफी फेमस ये शायर हैं। तो अगला हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। तो शुद्ध अशुद्ध शब्दों पर अगर बात करें तो देखिए, शुद्ध अशुद्ध में जो पहला है वो है शिरोपीड़ा। शिरोपीड़ा जो वर्ड है, आप देखिए कि शिरोपीड़ा ये दरअसल सिरह पीड़ा होता है। यहाँ पर सिरह जो है, ये आपके सिर में अगर दर्द हो तो उससे रिलेटेड है, लेकिन ये सिरह हो जाएगा, ठीक है, शिरोपीड़ा नहीं होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, निश्चल बोलते हैं, निश्चल का देखिए प्रोनाउंसिएशन जो है वो निश्चल सही है, और ये भी एक ही प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन यहाँ पे जो सा बनेगा वो ये वाला ना बन के ये वाला बनेगा। हालांकि ये आपको देखने से ही समझ में आ जा रहा होगा, और ज्यादातर लोग इसमें ये नहीं प्रयोग करते हैं, लेकिन फिर भी अब चूंकि इसमें सा का ही कन्फ्यूजन है तो आप इसको देख सकते हैं, निश्चल ये वाला होगा उसके। और वैसे भी आप अगर कोई भी अशुद्ध शुद्ध शब्दों में अटके कहीं पर भी, तो मेरी ये सलाह रहेगी कि आप उसको एक दो बार लिख के देख लें। आपको खुद ही से जब लिखेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि नहीं, ये वाला गलत है और ये वाला सही है। आपका एक जो इंट्यूशन होता है वो खुद ही उस बात का जवाब दे देगा। और हालांकि ये सब बहुत कन्फ्यूजिंग भी होता है, तो ऐसा हर बार नहीं सत्य होता है, परंतु काफी बार आप इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं कि सुलोचनी। तो सुलोचनी नहीं होता है, सुलोचना होता है, ठीक है, सुलोचन सुलोचना, तो सुलोचना हो जाएगा, सुलोचनी नहीं, मतलब जिसकी नयन अच्छे हो, आंखें अच्छे हो। लोचन आपको पता है कि पर्यायवाची है आंख का, तो अगर आंख के पर्यायवाची की बात करें, अभी आपके कुछ दिन पहले कराया गया था, तो आप लोग अब मन में आपको ऐसे दिमाग में कौन जाना चाहिए कि आंख के पर्यायवाची क्या होगा, तो अक्ष हो जाएगा, चक्षु हो जाएगा, लोचन हो जाएगा, नयन हो जाएगा, अंबक हो जाएगा, तो इस तरीके से आपके पर्यायवाची हो जाएंगे। तो ठीक है, ये सुलोचनी का सुलोचना हो जाएगा। अगला हम लोग आते हैं कि तद्भव और तत्सम। तद्भव तत्सम में देखें तो परख, परख जो है वो तद्भव होती है, और उसका तत्सम होता है परीक्षा। जब किसी की परीक्षा ली जाती है, जब किसी को परखा जाता है, तो दरअसल एक ही शब्द है, परीक्षा से सरल होते होते ये परख बन गया। भभूत, भभूत हमारे कॉमन बोलचाल की भाषा में बहुत ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। भभूत, भभूत ना होके असली जो शब्द है तत्सम का वो है विभूति, ठीक है, विभूति को ही भभूत बोला जाता है। और वो जो आपकी वो थी भाभी जी घर पर हैं वाली सीरियल वाली, तो वो विभूति को बोलती हैं थी भरभूति, तो जैसा भी लोग बोलना चाहें, पर यहाँ पे विभूति का मतलब भभूत हो जाएगा, ठीक है। और नेह, नेह बोलते हैं स्नेह को, तो स्नेह जो तत्सम वर्ड है उसको अब आधा सा बोलने में लोगों को दिक्कत होती थी, तो उसको नेह वो बोलने लगे, तो ऐसा कई शब्दों में दिखता है। फिलहाल यहाँ पे आप देखिए कि स्नेह को नेह बोला जाता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द में अगर देखें तो जिसे कोई रोक ना सके, जिसे कोई रोक ना सके उसको बोलते हैं अप्रतिहत। ये ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा वर्ड है और पूछा गया है ये, तो जिसे कोई रोक ना सके अप्रतिहत। राम की शक्ति पूजा में निराला कहते हैं कि पीछे गरज रहा, गरज रहा पीछे, अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुद विशाल, तो वो अप्रतिहत मतलब जिसे कोई रोक ना सके। उसके बाद है अगला, स्मृति की सहायता से होने वाला ज्ञान। तो स्मृति की सहायता से मतलब आपकी मेमोरी से जो ज्ञान होता है उसको बोलते हैं प्रत्यभिज्ञान, ठीक है। प्रत्यभिज्ञान का मतलब आपकी स्मृति से होने वाला ज्ञान, जैसे जो आपका एक जो उर्दू में आपका जो कुरान में ऐसी बात कही गई है कि इल्मे सिना और इल्मे सकीना,
तो ऐसे करके जो इल्मे सीना होती है यानी जो अपने अंतर मन से जो ज्ञान होता है इंसान को वो बोला जाता है, वही यह समझ लीजिए कि स्मृति की सहायता से जो ज्ञान होता है तो वो आपका प्रत्यभिज्ञान हो जाता है। उसके बाद देखिए जिसके अंदर अर्थ भरा हो, जिसके अंदर अर्थ भरा हो उसको बोलते हैं अर्थ गर्भित। ठीक है, तो जिसके अंदर अर्थ भरा हो उसको बोलते हैं अर्थ गर्भित। अगर यही अर्थ हटा के यहाँ पे सार कर दीजिए तो जिसके अंदर सार भरा हो उसको बोलते हैं सार गर्भित। तो यानी जिसके अंदर अर्थ भरा हो अर्थ गर्भित, स्मृति की सहायता से होने वाला ज्ञान प्रतिभिज्ञान, जिसे कोई रोक ना सके अप्रतिहत। अगला हम लोग आते हैं और वो है हमारा विलोम शब्द। शब्द विलोम में देखते हैं कि सबसे पहला कि भूमिका, भूमिका आपको पता है निबंध के सबसे स्टार्टिंग में आप लोग भूमिका लिखते हैं तो उसका जो निष्कर्ष लिखते हैं वो निष्कर्ष ना करके उसको यहाँ पे उपसंहार कहा जाता है। और उपसंहार का मतलब भी हालांकि वही होता है पर चूंकि हम लोग की कॉमन जो हम लोग निबंध में यूज करते हैं वो निष्कर्ष ज्यादा यूज करते हैं, परंतु उपसंहार वो जो है एग्जैक्ट वर्ड है उसको, वो जो है इसका सर्वाधिक उपयुक्त विलोम शब्द है। ठीक है, उसके बाद देखिए दुष्कर, यानी जो काम करने में कठिन हो उसको दुष्कर बोलते हैं। सुकर मतलब कि जो काम करने में आसान हो, तो दुष्कर का हो जाएगा सुकर। ठीक है, और ये दुष्कर का सुष्कर नहीं हो जाएगा, आप ये देख लीजिएगा, दुष्कर का उल्टा हो जाएगा सुकर। और दानी का हो जाएगा कृपण, कृपण मतलब जो दानी का ऑपोजिट हो। ठीक है, और इसमें हम लोग चलिए अगला देखते हैं कि महत्वपूर्ण जो पर्यायवाची शब्द है उनको देखते हैं। तो सबसे पहला है कि चमक, चमक की अगर बात करें तो प्रभा, प्रभा का मतलब आप जानते हैं प्रकाश होता है, ज्योति ठीक है इजी नाम है, द्युति, द्युति जो है आपके लिए एक नया वर्ड है जिन लोगों को ना पता हो, तो द्युति का मतलब भी चमक होता है। दीप्ति, दीप्ति भी आपका चमक हो जाएगा, दीप्ति हो गया। कांति, कांति मतलब जैसे चेहरे पर कांति होती है तो चमक ये भी है। प्रकाश और आभा, अब देखिए ये आपका आभा और प्रभा दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और ज्योति तो एग्जैक्ट वर्ड है सामने ही आपके। दीप्ति, इसमें ज्यादातर देखिए सब लड़कियों के ही नाम है आपके, प्रभा ज्योति आभा दीप्ति सब जो है वैसे ही है, तो प्रकाश है कि यहाँ पे लड़का बेचारा अकेला फंस गया। तो देखिए ये आपका चमक हो गया। उसके बाद देखिए तो कली, कली जो है वो दरअसल फूल की जो कली होती है तो उससे आपका कोपल बन जाएगा, कलिका बन जाएगा, कली से ही कलिका बन गया, कोपल बन गया। नव पल्लव, ताम्र पल्लव और मुकुल, तो देखिए नव पल्लव ताम्र पल्लव एक साथ, कोपल और कलिका एक साथ रख लीजिए, और ये एक मुकुल आपको याद करना है अलग से, मुकुल भी आप इसको जो है मतलब अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, है? और बाकी ताम्र पल्लव नव पल्लव एक साथ, कलिका और कोपल एक साथ, ये कलिका हो गया आपका। उसके बाद देखिए उत्तम, उत्तम में देखिए एक तो श्रेष्ठ हो गया, आपको पता ही उत्तम है तो श्रेष्ठ हो गया, उत्कृष्ट हो गया, उत्कृष्ट भी उत्तम और श्रेष्ठ दोनों मतलब इजी वर्ड है। और इसमें जो एक प्रवर बसता है, प्रवर थोड़ा सा कठिन है, तो उसको आप जो आपकी जो अपर पीसीएस की परीक्षा होती है तो वो अपर सबॉर्डिनेट जो एग्जाम बोला जाता है अपर का मतलब ही होता है प्रवर, अपर का मतलब प्रवर होता है और लोअर का मतलब अवर होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि लोअर को अवर बोलते हैं और अपर को बोलते हैं प्रवर, तो यानी कि प्रवर का मतलब अपर या श्रेष्ठ या उत्तम या उत्कृष्ट ये सब हो गया। आगे बढ़ते हैं जो महत्वपूर्ण प्रशासनिक शब्दावली आज हम लोग को देखनी है उनमें देखते हैं। तो सबसे पहला आता है अटेस्टेशन, आप लोग अटेस्ट कराते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को, अटेस्ट कराते हैं, अटेस्टेशन जो होता है उसको बोलते हैं अनुप्रमाणन, ध्यान रखिएगा प्रमाणन नहीं है बल्कि अनुप्रमाणन है, तो अटेस्टेशन अनुप्रमाणन। क्लेमेंट, क्लेमेंट बोलते हैं दावेदार को, क्लेमेंट की स्पेलिंग भी आप लोगों को याद रखनी है, क्लेमेंट बोलते हैं कि दावेदार मतलब जिसका क्लेम हो तो उसको जो है दावेदार को क्लेमेंट बोल देते हैं। और एमिग्रेंट बोलते हैं उत्प्रवासी को, मतलब एमिग्रेंट उत्प्रवासी यानी कि जो बाहर जा रहा है, और इमिग्रेंट मतलब जो बाहर से आ रहा है। ठीक है, तो एमिग्रेंट बोलते हैं उत्प्रवासी यानी कि जो बाहर की ओर जा रहा है, क्लेमेंट बोलते हैं दावेदार, अटेस्टेशन बोलते हैं अनुप्रमाणन। आगे बढ़ते हैं मुहावरे और लोकोक्तियां में, तो मुहावरे और लोकोक्तियां आज जो हम लोग पढ़नी है वो है कि आगे कुआं पीछे खाई, आगे कुआं पीछे खाई का मतलब दोनों ही ओर हमारे कष्ट है, आगे बढ़ेंगे तो कष्ट है और पीछे बढ़ेंगे तो कष्ट है। तो कई सारी ऐसी सिचुएशन हमारी लाइफ में आती हैं जहां पे आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति रहती है, तो वैसे ही जो है दोनों ओर संकट है। आगे देखें खग जाने खग की ही भाषा, खग मतलब आपकी चिड़िया होती है और चिड़िया ही चिड़िया की भाषा जान सकती है, तो यहाँ पर दरअसल इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है
कि अपने वर्ग के लोग ही एक दूसरे को समझ सकते हैं, मतलब जो जिस अपनी पोजीशन से बिलोंग करता है वही इसको समझ सकता है। अब जो मान लीजिए कि इकोनॉमिक्स का बहुत ज्ञाता है तो वो अपना ब्लॉकचेन और इधर उधर बजट बजट की बातें करेगा तो वो उसको उसके साथ वाले को तो समझ में आएगा जो उसी प्रकार के काम में संलग्न है, परंतु अन्य किसी आप लेमैन से कोई कॉमन आदमी उससे पूछेंगे तो उसके पल्ले नहीं पड़ सकता है। तो वैसे ही आप समझ लीजिए कि खग जाने खग की ही भाषा, मतलब अपने वर्ग के लोग ही एक दूसरे को समझ सकते हैं, मतलब आपकी फीलिंग वही समझ सकता है जो आपकी बराबर वाली स्थिति में हो। उसके बाद देखिए छठी का दूध याद आना, छठी का दूध याद आना, वैसे तो ये प्रयोग में आसान है, सब लोग इसको जानते हैं कि छठी का दूध तुम्हें याद दिला देंगे, तो ऐसे करके मतलब लोग उसको बोलते हैं, परंतु इसका जब अर्थ लिखने को आता है तो वो कई बार कठिन हो जाता है क्योंकि आपको वो नहीं याद आता है कि इसमें हमें लिखें क्या एक्चुअली। तो छठी का दूध याद आना उसको बोलते हैं बहुत कष्ट होना, ठीक है, बहुत कष्ट होना उसको बोलते हैं छठी का दूध याद आना। खग जाने खग की ही भाषा, आगे कुआं पीछे का ही। तो ये रहा हमारा आज का सेशन और उम्मीद है कि आपके लिए ये सारे हमारे जो इनिशिएटिव्स हैं, चाहे वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के कई सारे इनिशिएटिव्स हों जो हम लोग फ्री में लेके चल रहे हैं, और साथ ही हमारे जो वीडियो के माध्यम से हम लोग नए नए प्रयोग कर रहे हैं वो सभी आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे आपके आरओ परीक्षा की तैयारी के लिए, साथ ही बीओ और अपर पीसीएस की परीक्षा की तैयारी के लिए भी समान रूप से उपयोगी और लाभकारी सिद्ध हो रहे होंगे, ऐसी हम कामना करते हैं और आपका आपके लिए ढेर सारी प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।